हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, क्या कहते हैं जी? जी बस जी, आज तो आपका कैमरा बड़ा जबरदस्त लग रहा है। तो पहन पहले तुसी क्यों नहीं इस तरह रख दे रहे हो, पहले क्यों डिंगे सीधे रख दे रहे हो? ये जिस वेले राइट एट द एंड हम आ गए हैं तो आपका कैमरा वैमरा सेट हो गया है। देखिए ना, पाकिस्तान टीम की तो आपको भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखने ना, मेरे ताल्लुक कहां से है, हमेशा टाइम लेते हैं ना, और जब तक हम मेरे होते हैं इवेंट से बाहर हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। तो कैसर, थैंक यू वेरी मच। असल में हमने थोड़े से अपने स्केड्यूल्स जो हैं ऊपर किए हैं, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे को हमारे साथ होंगे सिकंदर साहब, तो इसलिए हमने जो एक एक दिन जो है आगे पुश कर दिया है बाकी सारे हमारे एक्सपर्ट्स का। अच्छा जी, ये जो धमाके किए हैं अफगानिस्तान ने, ओ भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराया है, ये क्या किया, ये क्या गिदड़ संगी थी भाई इनके पास इस दफा कि ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया है, ये क्या चक्कर है, ये बताएं आप पहले तो। देखिए इसमें ना बहुत से लोग मतलब डिफरेंट बातें कर रहे हैं। पहले बताएं कि आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है, और तस्वीर भी ठीक आ रही है? ठीक आ रही है, हिलाए ना इसको आप बिल्कुल बस। अच्छा हाँ, तो बात ये कि बहुत से लोग जो मतलब जिसमें आप इवन जो गार्डियन न्यूज़पेपर है उन्होंने मतलब ये खबर लगाई थी, या जो उन्होंने सुर्खी लगाई थी उसमें उन्होंने लिखा था शॉकिंग। तो इस पर जो मतलब बहुत से कह ले कि स्पेशली जो अफगान कह ले अवाम है दुनिया में रहने वाली, उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की। और मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने लफ्ज अपसेट यूज किया था, तो उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन आया था। इतना रिएक्शन आया था कि उसके जवाब में उन्हें एक और पोस्ट लिखना पड़ी और बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने वजाहत दी उसमें ना, कि वो लोग कहते हैं कि ये आपने अपसेट क्यों लिखा है। अपसेट तो तब होता है ना कि जैसे कोई टीम है, कोई किसी बड़ी टीम से एक आध मैच जीत जाती है। जी जी। लेकिन आप ये देखें कि अफगानिस्तान ने स्टार्ट कहां से लिया था, न्यूजीलैंड से। जी। न्यूजीलैंड को जिस तरह उन्होंने हराया मैच, तो उसको मतलब आप ये कहिए अपसेट था। उसके बाद उन्होंने बाकी टीमों के साथ जो मैचेस खेले, फिर उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया बहुत मर्तबा की वर्ल्ड चैंपियन है, मतलब ये कि उसके बाद अब जो बांग्लादेश का खिलाफ मैच था ना, ये इतना फंसना नहीं चाहिए था। लेकिन इसे मैं कह सकता हूँ कि बांग्लादेश, क्योंकि मुझे याद है बहुत अरसा पहले मैं कवर कर रहा था एक T20 लीग के हवाले से कुछ मतलब जो ना वो आर्टिकल्स वगैरह, तो उसमें उन्होंने मतलब मुझसे कहा कि आप एनालिसिस करें, तो मैंने उसमें लिखा था कि देखें एक वक्त था कि जब आपको T20 लीग में श्रीलंका के, वेस्ट इंडीज के, बांग्लादेश के मतलब प्लेयर्स नजर आते थे, पाकिस्तान तो हमेशा रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपको बांग्लादेश के प्लेयर नजर आना बंद हो गए जी। आपको श्रीलंका के प्लेयर्स भी बहुत कम नजर आने लगे, जो इंटरनेशनल आपकी लीग्स है ना, बड़ी लीग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आप आईपीएल कह लें या पाकिस्तान के पीएसएल कह लें, आपको उसमें कौन से प्लेयर ज्यादा नजर आने शुरू हुए, अफगानिस्तान के। जी जी। आपको पता है कि इस समय जो करंट टीम खेल रही है अफगानिस्तान की, उसमें से 11 में से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो आईपीएल खेल चुके हैं। ऐसा नहीं कि उनको सिलेक्ट किया गया था और उन्हें बेंच पर बिठा दिया गया, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि बहुत से न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो बेंच पर बैठे थे, और जब उन्होंने अपनी सेकंड टीम भेजी थी मतलब पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो बहुत ज्यादा एतराज हुआ था कि भाई आईपीएल में आप लोग गए हो लेकिन वहां वो आपको खिला नहीं रहे, और यहाँ आप अपनी जो ना बी क्लास टीम को पाकिस्तान से खेलने के लिए भेज रहे हैं। तो उसमें लेकिन आप इससे अहमियत का देखें कि उनके प्लेयर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या उनकी वर्ल्ड लेवल पे उनकी जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है, कि उनको ना सिर्फ T20 लीग्स में साइन किया जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ उनको खिलाया भी जा रहा है। तो इसलिए जिन टीमों के पास इतना जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस होता है, और देखे एक एक का नाम ले, रहमानुल्लाह गुरबाज है, मोहम्मद नबी है, इब्राहिम जरदान है, गुलबदीन नाइब है, राशिद खान है, नवीन हक है, उसमें फजल फारूकी है, मतलब ये सारे प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े जाने पहचाने नाम बन चुके हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो भी हम ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान को हम ज्यादा अपना अहमियत नहीं दे रहे थे, देखिए उस बात ये कि अफगानिस्तान के पास जो अभी सिर्फ एक चीज की कमी है ना, वो है एक्सपीरियंस, मतलब बहुत बड़े मैचेस खेलने का, इंटरनेशनल यानी मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस जो था वो आप कह लेंगे उनके पास थोड़ा सा कम था, या वो उतने स्ट्रांग नहीं थे मेंटली, क्योंकि आप ये देखें कि अफगानिस्तान में क्रिकेट हो कितनी रही है, कितनी टीमों ने आपके वहां विजिट किया है जी, हर टीम जाने से इनकार कर देती है, हर टीम जाने से इनकार कर देती है। मेरे ख्याल जो किसी एसोसिएट टीम ने शायद वादा किया है जाने का ना ये वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन वहां पे क्रिकेट होती नहीं है बिल्कुल। तो ये प्लेयर बेचारे दाएं बाएं जाते हैं वहां जाकर खेलते हैं, लेकिन उससे खेल खेल कर, क्योंकि इनकी पर्सनल इतने टैलेंट इतना ज्यादा है, या इतने ये स्ट्रांग है, मतलब इतने फिजिकली यानी कहने के बिल्ट है, कि इन्होंने
मतलब बहुत जल्दी इंप्रूव किया है, और अगर इनको अपने यहाँ पे क्रिकेट मिलने लगी, आप सोचिए कि जरा इंटरनेशनल टीम में, लेट्स से अगर पाकिस्तान टूर करता है, ऑस्ट्रेलिया टूर करता है, न्यूजीलैंड टूर करता है, इंडिया टूर करता है, तो फिर ये टीम कहाँ जाकर रुकेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये अपडेट नहीं था, ये बिल्कुल ये कह लें कि एक ना एक दिन ये होना ही था। अच्छा कैसर, इसमें इनके जो कोचेज हैं उसका कितना हाथ है, वो खुद कितने स्ट्रॉन्ग या कॉम्पिटेंट हैं कि उन्होंने इस तरह की इनको इतनी एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग दी है कि ये लड़के जो हैं ये बिल्कुल जो थे वो थे जो है वो अनकट जेम्स बोलते हैं ना जिस तरह, तो बिल्कुल इनको तराश के जेम्स उन्होंने बनाया है। तो कोचेज का कितना हाथ आपको लग रहा है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी? देखिए बात यह है कि जब भी आपके पास कोई बड़ा नाम आता है ना कोचिंग के लिए, तो उसका सबसे पहले उसी का बहुत असर होता है कि यार आपको वो दुनिया अहमियत दे रही है, यानी कि वो आपके टैलेंट को समझ रहे हैं। सिर्फ पैसे ही आपको लेके नहीं जाता कि आप जाएं जहां पहाड़ों में जाकर आप एक टीम का कोचिंग करें, बल्कि वहां पर उसके साथ साथ ये भी होता है कि उस कोच को ये नजर आ रहा होता है कि यार मैंने मतलब जो मेरा एक ब्रांड मैं बनूंगा ना, या मेरा जो कहने नाम बनेगा, वो उस टीम को जितवाने पर बनेगा जिस टीम का मतलब वर्ल्ड में अभी कोई नाम नहीं है, लेकिन उसे जो अच्छे कोचेज हैं उनमें पोटेंशियल उन्हें नजर आ रहा होता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उन टीमों के साथ वो साइन अप करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कल इस टीम ने चैंपियन बनना है और वो उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसीलिए जो अफगानिस्तान है उसका पोटेंशियल पूरी दुनिया को नजर आ रहा था। देखे ना उन्होंने जब पाकिस्तान को बीट किया ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वहां भी वो कितने मतलब आगे तक चले गए थे, तो बात ये हो रही है कि उसमें पोटेंशियल तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा था। मैं ये कहता हूँ कि इस टीम में आप देखें कि स्किल्ड प्लेयर बहुत ज्यादा है, बल्कि आप यहाँ पे कुछ मैं थोड़ा सा ना साइड पे भी बात करूंगा जिसपे मुझे थोड़ा सा कोचिस के हवाले से मायूसी हुई है कल के मैच में ना, मतलब मैंने पूरा मैच देखा बॉल टू बॉल सारा, यानी आप जो बांग्लादेश से मैच हुआ था, तो उसमें एक ऐसा वक्त आया था कि जब 81 पे 7 आउट थे इसके बांग्लादेश के जी, और उस वक्त बारिश के कुछ आसार नजर आए थे, और या कह ले कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी। बूंदाबांदी क्रिकेट में बड़ी नॉर्मल सी बात है, जो T20 क्रिकेट हो रही है, मेरे करीब यहाँ पर एक गो ग्रीन के नाम से ग्राउंड है, वहां वो मैचेस रोज होते हैं, वहां अक्सर वो हल्की फुल्की बारिश में खेल रहे होते हैं वो लोग ना, तो इतनी हल्की फुल्की बूंदाबांदी से टीमें नॉर्मली जो है ना वो बैक ऑफ नहीं करती, बल्कि खेल जारी रहता तब तक के जब तक एकदम से तेज बचाव ना आए। तो उसमें क्या था कि जब 81 पे उनके 7 आउट थे, और जो बाहे बैठे कोच है ना वो काउंटिंग कर रहे होते हैं कि भी इस वक्त अगर मैच रुकता है तो अफगानिस्तान जीत जाएगा DLS मेथड के तहत, क्योंकि अफगानिस्तान 2 रन आगे है, क्योंकि जितने आपने ओवर्स में रन बनाए होते हैं, जितनी आपकी विकेटें गिरी होती है उसके लिहाज से ये पार स्कोर आपका निकालते हैं, तो उसमें जो अफगानिस्तान था ना वो 2 रन आगे था। तो जो उनका कोच है जोनाथन ट्रॉट के नाम से, ट्रॉट और ट्रॉट, उसने सिग्नल दिया उनको टीम को कि भाई आप इसको स्लो डाउन कर दो, या ये कह लें कि मैच को कंटिन्यू ना रखो। और उसके साथ ही क्या हुआ कि इधर से सिग्नल आया, और उसके साथ ही जो गुलबुद्दीन नाइब जो अफगानिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं, एकदम से उन्होंने फटाफट जो ना वो जमीन पर गिर गए, और उन्होंने अपनी जो ना वो क्रैच जिस तरह क्रैम्प्स हो गए, उन्होंने अपनी टांग पकड़ ली। मुझे यकीन करें इतना ज्यादा अफसोस हुआ कि जितना मैं अफगानिस्तान को मतलब कह लें कि पसंद कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि कमेंटेटर ने भी इतने नेगेटिव रिमार्क्स दिए उस वक्त कि भाई ये क्या है, कौन सी ये क्रिकेट है, मतलब आप ठीक है कि अच्छी टीम है दुनिया को साथ दे रही है, लेकिन इस किस्म की हरकतें ना करें। सही, क्योंकि देखिए मतलब बात ये होती है कि मैच अगर आप अच्छे तरीके से खेल के जीतते हैं ना तो दुनिया आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। सही। और अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसमें आपको ये पता है कि अगर आप बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो मुमकिन है बारिश हो जाए, अगर बाकी का मैच ना हो तो हम लोग इस तरीके से DLS मेथड के तहत हम जीत जाएंगे, वो मेरे लिए बड़ा ही मायूसपूर्ण मतलब ये कह लें कि मंजर था, और मुझे उस कोच पर भी बहुत ज्यादा हैरत हुई कि उसने ऐसी हरकत क्यों की थी। अच्छा तो किसने जी उसमें एक आपको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा इसको, अगर आपको याद हो 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ था जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, और फाइनल मैच था जी और उसमें न्यूजीलैंड पहली मरतबा चैंपियन बनने के बहुत करीब था जी सर, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि ओवरथ्रो हुई थी जिसको डिफ्लेक्शन हुआ था मेरा ख्याल बेन स्टोक्स के बैट से, और वो 2 की बजाय 6 रन मिले थे क्योंकि गेंद बाउंड्री से बाहर चला गया था। उस वक्त 3 बॉल्स पर 9 रन चाहिए थे इनको इंग्लैंड को मतलब मैच के लिए, और वो मैच टाई हुआ था, सुपर ओवर में गया था, फिर टाई हुआ था, फिर ज्यादा बाउंड्रीज होने पर इंग्लैंड को फातह करार दिया गया था 2019 वर्ल्ड कप का। देखिए वो चैंपियन जरूर बने, लेकिन वो जो एक लम्हा था ना उससे इंग्लैंड की टीम कभी नहीं निकल पाई। इवन बेन स्टोक्स को बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया गया, उसने बाकायदा माफी मांगी उसे केन विलियमसन से,
शर्मिंदगी का इजहार किया, लेकिन क्या हुआ कि वो वर्ल्ड कप तो निकल गया ना न्यूजीलैंड के हाथ से, क्योंकि वो बॉल सुपर एक्चुअली डेड हो चुका था, डेड था जिसको उन्होंने 6 रन में कन्वर्ट कर दिया और वो इंग्लैंड जो है ना वो मुकाबले में वापस आया। तो बात ये होती है कि जो अच्छी टीम है ना, लेकिन वहां पर मैंने उस वक्त भी याद है मेरे ख्याल आपको रिकॉर्डिंग्स दिया तो हवाला था, तो मैंने कहा था कि भाई जो केन विलियम्स है जैसा शरीफ कप्तान मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में, अगर वहां कोई भी टीम होती इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी होता तो वो लड़ पड़ते वहां पर, क्योंकि आपके हाथ से ट्रॉफी जा रही है यार, कोई छोटा मैच नहीं था, आप ये नहीं ग्रुप मैच खेल रहे, आपके हाथ से वर्ल्ड कप का फाइनल था और वो ट्रॉफी आपके हाथ से जा रही थी, लेकिन उन शरीफ क्रिकेटरों ने जितनी शराफत का मुजाहरा किया तो वो दुनिया ने देखा, और आज भी मेरी नजर में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है उन प्लेयर्स की। तो इसी तरह जो अफगान प्लेयर्स है ना, देखे मैच उन्होंने जीतना था, वो अच्छी पोजीशन में थे कि 7 आउट हो चुके थे, और जब आप 80 में पे 7 आउट हो जाते हैं तो पिछले 35-40 स्कोर भी पहाड़ लगते हैं। लेकिन उस वक्त जो गुलबुद्दीन ने हरकत की ना, गुलबुद्दीन कोई छोटा प्लेयर नहीं है, मतलब कैप्टन रह चुका है अफगानिस्तान का, और मतलब इसने मुझे मायूस किया, और उसका सारा मतलब उससे कनेक्ट मैं करता हूँ कोच के साथ, कोच को इस तरह के सिग्नल नहीं देने चाहिए, नहीं इशारे करने चाहिए, जिससे आपकी टीम जो कि जीतने के बावजूद भी उसको वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट किया गया। नहीं, लेकिन यहाँ सवाल बनता है कि आईसीसी को ये सब चीजें नजर नहीं आ रही है कैसे भी, आप पूरी दुनिया ने सब कुछ देख लिया, मैं भी ये लाइव देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मेरी जिशान से यही बात हो रही थी कि इतने वो क्लियर इशारे कर रहा है बारिश होने वाली है और एक सीधा खड़ा हुआ स्लिप पे प्लेयर वो लेट जाता है, तो ये जो वहां के रेफरी हैं वो उस वक्त क्या कोई और चश्मे पहन के बैठे होते हैं जिनको नजर नहीं आ रहा होता? देखिए आमिर भाई, चश्मा तो वही होता है, लेकिन बात होती है कि चश्मे से आप क्या देखना चाहते हैं। सही। तो इसलिए मतलब ये कि दुनिया के जो मायार है ना वो बहुत डिफरेंट है। इस वक्त देखिए अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया जो है ना वो अफगानिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और वरना मैं कहता हूँ कि अगर ये हरकत पाकिस्तान में हुई होती किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने बांग्लादेशी प्लेयर ने की होती तो जीत से ज्यादा ये पॉइंट डिस्कस हो रहा होता। बिल्कुल। तो देखिये जो मीडिया है ना, देखिये जो मीडिया में लोग, ऐसा नहीं कि मतलब ये मुल्क, लेकिन मीडिया के जो लोग है ना, मैं समझता हूँ उनको न्यूट्रल होना चाहिए और उसपे उनको बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिये ये टीम की स्पिरिट को जाहिर करता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बहुत मतलब हमने देखा है कि आप ग्राउंड में जो ना उनके वो तमाशाई है वो कुर्सियां चलाते हैं दूसरे, मतलब जब वो हार जाते हैं मैच के ऊपर, दुबई में जब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे हैं तो उन्होंने कैसे तोड़ा है सारा स्टेडियम, सारी कुर्सियां तोड़ी हैं और पाकिस्तानियों के ऊपर बोतलें उठा उठा के मारी है वहां से, दुबई पुलिस ने फिर इनको पकड़ा है सारों को लेकर गए हैं। तो बात यह है कि उसमें देखिये उस वक्त आपको अगर याद है तो जो बैट करी जिन्होंने किया कल के मैच में, जो लिटन दास है उन्होंने, उसने बाकायदा वो एक्शन मतलब वो बनाए हैं कि जैसे मुझे उसको क्रैप पड़ गए उसने क्रिटिसाइज किया और उसको पूरी दुनिया ने मतलब वो देखा है। क्योंकि मैच बहुत ज्यादा देखा जा रहा था, इस मैच पे सेकंड टीम ने आगे जाना था तो, और ऑस्ट्रेलिया तो बॉल टू बॉल देख रहा था, चाह रहा था ना कि बांग्लादेश जीते। उसमें बात ये हो रही है कि देखे इसमें स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है ना, चाहे वो इंडिया है चाहे पाकिस्तान है कोई भी है, उनको ये चीज हाईलाइट जरूर करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए क्रिकेट में इस तरह के जो इंसिडेंट्स है ना वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब बैल जो कई दफा मैं बैठ के जो मैच देख रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ये जो न्यूट्रल अंपायरिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसका क्रेडिट हमारे मतलब हमारे पाकिस्तान को जाता है, इमरान खान साहब को, जी इमरान खान साहब को ने कहा था, अगर वो ना होता तो सोचिए आपके मैचेस में क्या होता, कितने झगड़े होते, कितनी लड़ाइयां होती, कितने आप अब ये जिस तरह होता है ना कनाडा के इलेक्शन है, इधर इलेक्शन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आया, सबने मान लिया, कोई इतराज नहीं हुआ। इसी तरह जो क्रिकेट मैचेस है उनमें भी यही हो रहा है कि बहुत ज्यादा मैचेस में लोग कोई इतराज नहीं करे, छोटी मोटी कहीं ना कहीं कोई चीज होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि अब जो मैचेस हो रहे हैं वो सब टीमें मानती है, आउट को भी मानती है, जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं वो सब मानती है। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा कानून लेकर आए, उस पर आपने अमल किया, दुनिया में बहुत ज्यादा मतलब कहने उससे खेलों को हेल्प मिली। तो इसी तरह मैं समझता हूँ मीडिया का ये रोल था कि ठीक है आप अप्रिशिएट करें, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि अफगानिस्तान ने फाइट की और बहुत अच्छी फाइट की और बड़ी प्लानिंग से फाइट की, क्योंकि सिर्फ फाइट नहीं की बल्कि प्लानिंग से फाइट की। देखे ना उसमें आप ये देखें कि राशिद खान को क्रेडिट जाता है कि उसने जब ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला तो उसने वो अपने फजल फारूकी के बजाय नवीन उल हक को लेकर आया। जी जी। उसने देखा था कि नवीन उल हक टफ टाइम देता है, जो इनके लेफ्ट हैंडर मतलब बैट्समैन है जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है उनको, तो उसने वो मतलब बैठ कर उन्होंने आपस में बात की और उसके बाद वो नवीन को ओवर करवाया और उसने भी बड़ी तोके के मुताबिक बिल्कुल लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग की और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद देखिए आप लास्ट में जो था
हालांकि उस तरह भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच को ले जाता जब आपके उनके वो जो बैट्समैन खेल रहे थे, तो उस तक उन्होंने वो क्या गुलबदीन नाइब को लेकर आया। अब गुलबदीन नाइब कोई रेगुलर बॉलर नहीं है अफगानिस्तान का, बल्कि आपके पास उनके पास चार पांच अच्छे बॉलर हैं जो ओवर को आते हैं, लेकिन वो गुलबदीन नाइब को लेकर आया क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये जिस तरह की बॉल ये करता है ना इससे विकेट मिल सकती है। इसकी मिसाल में दूंगा पाकिस्तान में हमारा एक प्लेयर होते थे जिनको गोल्डन आर्म कहा जाता था, मुदस्सर नजर, मुदस्सर नजर, यस। इमरान खान उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे कि भाई ये बंदा वो समय लाते थे जब कोई पार्टनरशिप ब्रेक करनी है। इस तरह पाकिस्तान में आपके अजहर महमूद होते थे, मतलब जो आजकल हेड कोच भी थे, और उसके बाद अब्दुल रजाक थे। तो जो कैप्टन है उसको पता होता है कि मैंने किस वक्त किसको लेकर आना है, ना तो हमारे कप्तान की तरह जिसे पता ही नहीं कि किसी को भी बॉल पकड़ा दिया। तो देखिए दुनिया बड़ी कैलकुलेशन करती है, जब अफगानिस्तान जैसी टीम है वो इतनी कैलकुलेशन कर रही है कि मैंने किस वक्त किस बॉलर को लेकर आना है। फिर जिस तरह राशिद खान ने मतलब ओवर किया, वो तो खैर राशिद तो कमाल का बॉलर है, दुनिया में माना हुआ बॉलर है, लेकिन उसके बाद वो फिर नवीन उराद को उस वक्त लेकर आया जब उन्हें पता कि यहाँ मैच फिर चेंज हो सकता है, पर नवीन ने आके वो परफॉर्म भी किया। तो बात ये होती है कि जो जो आपके कैप्टन है ना, जो प्लेयर्स हैं, मैं उनकी जो स्किल्स की बात कर रहा था, स्किल्स के साथ साथ देखिए उन्होंने इस चीज पे भी मेहनत की है कि छोटे से छोटे टोटल को आपने कैसे डिफेंड करना है। सही, और बल पे टोटल नहीं था 116 कोई टोटल नहीं था, और ना ही पिच कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि जैसे वो कोई अनएक्सपेक्टेड बाउंस था जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच में था ना। तो लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान ने एक ओवर, और सबसे बड़ी बात है कि एक टीम बनकर, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग मारे गए डिवीजन की वजह से कि हर खिलाड़ी एक अलग अलग खेलता नजर आ रहा है। आप देखें कि खिलाड़ियों ने कैसे जान मारी है मैच में, कैसे वो एक होकर खेले और उसका रिजल्ट उनको मिलना ही था। अच्छा केसर भाई देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, दोबारा हम आएंगे अफगानिस्तान की टीम की तरफ। मुझे जो अफसोस हुआ वो बांग्लादेश के पास जितना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पहली दफ़ा वो किसी भी ओडीआई या टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूँ बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का, 1990 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, पहली दफ़ा बांग्लादेश की टीम ने जो है वर्ल्ड कप ICC टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत की थी, किसी भी ICC टी20 वर्ल्ड कप में। अगर एक्सपीरियंस वाइज कंपेरिजन किया जाए तो बांग्लादेश एज अ नो डाउट कि उनकी जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस थी वो डामाडोल थी, रोलर कोस्टर की तरह वो जा रहे थे, कोई एक भी खिलाड़ी सिवाय एक दो के जो है पूरी टीम एज अ यूनिट जो है हमें दिखाई नहीं दी बांग्लादेश की इस वर्ल्ड कप में। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा बांग्लादेश को इस पर कहूँगा कि फेल हुआ है, और आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही? उन्होंने जो है बिल्कुल जो चांस जो है ना बिल्कुल गंवा दिया, और ये मुझे लगता है कि ये चांस जो है उनको शायद हो सकता है कि अगले 10 20 या 25 सालों में दोबारा ना मिल सके, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल जिशान, आपसे इत्तेफाक करता हूँ इसमें। मुझे याद है कि जब मतलब 116 का टारगेट मिला था जी, तो मेरे एक दोस्त हैं बांग्लादेश से, मेरे मतलब करीब ही रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको कहा कि भी मुबारक हो, बड़ी अच्छी मतलब आपकी टीम ने बॉलिंग की है और अब मतलब चांसेस बन गए एक दफा फिर से ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस टीम पे भरोसा नहीं है, मतलब ये टीम मुझे नहीं लगता कि ये टीम ये अचीव कर सकती है। तो देखिए पहली बात ये कि आपकी कौम को आप पर भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल हमारे वाला मामला था कि मुझे यहाँ पे ऑफिस, मुझे ऑफिस में ना हमारे दोस्त है, इंडिया से दोस्त है हमारे, मेरे कोलीग है, मुझे कहते हैं लास्ट टाइम हमने एक दफा ना वो किया था जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, हमने एक पार्टी का जो जो जीतेगा वो पार्टी देगा ना। अच्छा जी, तो इस दफा उन्होंने कहा कैसे सर फिर हो जाए, मैंने कहा नहीं, कहते क्यों, मैंने कहा टीम इस दफा कमजोर है ना। तो इसका मतलब मुझे खुद इतना यकीन नहीं था टीम में, एक तो पहली बात ये, इसी तरह जो हमारे बांग्लादेशी दोस्त है उन्होंने बड़ा ओपनली मुझे कहा कि भाई कैसे भाई आप तो कह रहे हैं कि 12 ओवर्स में टारगेट चाहिए मतलब चेस करने का, मैं तो कहते हैं मैच भी जीतना बड़ी बात है। तो देखिए इतना मतलब वो कॉन्फिडेंस शेक था उनका जी। तो पहली बात है कि आवाम का आप पे एतमाद नहीं, दूसरी बात है कि टीम को अपने ऊपर एतमाद नहीं। सही बात ये होती है कि देखिए आप कोशिश तो करें ना यार, आप एफर्ट तो शो करें ना, आप ये मतलब अगर हार जाएंगे तो हार जाएंगे, जब दोबारा हारेंगे तीसरा भी हार जाएंगे, या तो आप ये कहें ना कि आप खेल रहे हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया को आगे ले जाना है इसलिए आप खेल रहे हैं, तो फिर लेकर जाएगा यार, वहां भी आपने वो भी नहीं किया आपने, वो बेचारों को इतना करीब जाकर आपने अगर 8 रन और आप बना लेते तो ऑस्ट्रेलिया मतलब आगे चला जाता ना। अच्छा एक और बात है कैसर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वेस्ट इंडीज इतना अच्छा खेल रहा था, खेलते 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 अचानक फुस हो गया, ये वेस्ट इंडीज को अचानक से क्या हुआ है? देखिए इसमें हमारा अगर जो लास्ट की वीडियो ना
शंसा साहब को वो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उसमें मुझे वो याद आ रहा है कि हम एक पॉइंट एक मौके पे अब यूएसए को बड़ा सपोर्ट कर रही थी मतलब आप नहीं नहीं मगर मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो जीतेगी मगर मैंने कहा बड़ा स्ट्रांग यूनिट है और आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त ये टीम होगी उनके आने वाले दिनों में जो दो मैचेस हुए उनके साथ जो हुआ कि 10-10 ओवर में टारगेट चेस हो गया 130 से मतलब वेस्ट इंडीज ने भी कर लिया और दूसरा जो है ना आप ये कह इंग्लैंड ने भी कर लिया तो बात ये हो रही है कि देखिए जो वेस्ट इंडीज है ना वेस्ट इंडीज है मैंने आपको याद होगा एक और टीम के मुतालिक कहा था वो थी जनूबी अफ्रीका पता नहीं क्यों मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है इन टीमों में ज्यादा ना क्योंकि ये टीमें वो है जो मतलब पाकिस्तान का मुझे इनमें एक अक्स नजर आता है कि ये किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाती है तो कहीं इतनी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे देंगी कि आप दुनिया को हैरान कर देंगे और उसके बाद ये नहीं वो जो कहते ना तसलसल नहीं है इनकी परफॉर्मेंस में अब देखिए तसलसल किस में है इंडिया में है कि नॉन स्टॉप आप जीते चले जा रहे हैं ठीक है उसके बाद चले जनूबी अफ्रीका भी नॉन स्टॉप जीता है लेकिन ये वो टीम है जिसके बारे में मुझे हम चार लोग यहाँ बैठे हैं मुझे ये बता दें कौन सा बंदा जिसके यकीन है कि जनूबी अफ्रीका इस मतलब चैंपियन बनेगा हालांकि बिल्कुल नहीं जीरो जीरो चांसेस हालांकि वो सारे मैचेस वो भी जीत कर आ गया है ना लेकिन बात ये होती है कि वेस्ट इंडीज के साथ भी यही मसला है कि उन्हें पता था क्लियरली कि यार सिर्फ मैच जीतना और क्वालिफाई करना है लेकिन उनसे वो भी नहीं हो सका क्योंकि होता है क्या कि देखिए ये वो टीम है जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इनमें भी वो जो पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा कंट्रोल है यानी इनके टीम के इनके प्लेयर्स भी बिखरे हुए हैं आपने क्या किया वर्ल्ड कप के लिए एक प्लेयर आपने इधर से पकड़ा एक इधर से पकड़ा एक इधर से पकड़ा पुराने प्लेयर्स को लाया और आपने टीम बना ली तो वो टीम क्या है मतलब देखे ना कि वो टीम कभी भी एक ग्रुप बन के नहीं खेल सकी तो वेस्ट इंडीज के साथ भी यही मसला हुआ कि एक थोड़ा सा उनमें भी प्लानिंग का बहुत कमी है यानी आपको बहुत कम नजर आएगा कि वो प्लानिंग से चल रहे हो कि बॉल टू बॉल उन्होंने उसको कहने के स्टडी किया हो और उसके बाद ये कि वो मतलब मैच को आखिर तक इस तरह बना कर लेके जाए अगर मारने पे आएंगे तो देखिए उन्होंने यूएसए को जिस तरह मारा 10 ओवर्स में 130 रन कर दिए 13 की एवरेज के साथ जी। और जिस तरीके से वो मतलब कह लें कि वन साइडेड मैच हो गया ना सारा लेकिन बात ये हो रही है सर भाई देखिए आपकी वीडियो हमें दिखाई नहीं दे रही है अगर कॉल आ रही मेरा कल कोई ना बीच में जी जी एक मिनट अभी मुझे वापस आना पड़ेगा जी जी ठीक है आप आ गए वापस जी 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 आ गए जी 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 तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए आज अब जो वक्त आ गया ना ये साइंटिफिक वक्त आ गया मतलब इसमें टीमों को या तो आप पैशन के साथ उतरें कि जैसे अफगानिस्तान है वो पैशन से खेल रही है टीम जी जी क्योंकि उनके सामने एक टारगेट है कि यार हमने दुनिया में अपना नाम अगर बनवाना है तो हमारे पास स्पोर्ट्स ही एक हथियार है क्योंकि बाकी तो दुनिया ने हमें कॉर्नर कर दिया है दुनिया नहीं पूछती कि हमारे साथ क्या गुजर रही है वहां पे क्या हालात है लेकिन क्रिकेट एक ऐसी है जिसमें उन्हें पसीराई मिल रही है और दुनिया उनका साथ देती है तो इसलिए वो पूरी जान मारते हैं उसमें ना क्योंकि फॉर श्योर इसमें बहुत ज्यादा प्राइज मनी भी इन्वॉल्व है जितने आप मैच जीत कर आगे चलते जा रहे हैं उतना ही आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और दूसरा उसके साथ साथ उन्हें ये देखे ना कि ये छोटा फॉर्मेट है मैं समझता हूँ कि T20 में अफगानिस्तान वनडे से ज्यादा खतरनाक है टेस्ट में भी ये बहुत पीछे है उसके बाद इसकी वनडे टीम आती है लेकिन T20 टीम का बहुत करीब पहुंच चुकी है बड़ी टीमों के और अब ये बात है कि जब मैच में आप उतरेंगे तो जो थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा प्लानिंग से अच्छा खेलेगा वही जीतेगा अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका मैच अफगानिस्तान से है तो 100% आप जीतेंगे तो वो टीम अपने आप उस लेवल पे ले आई है क्यों ले आई है क्योंकि उन्होंने T20 बहुत ज्यादा खेला है बाकी उन्हें वनडे खेलने का मौका नहीं मिल रहा कोई टीम जाती नहीं उनके पास बाकी जगह वो कम जाते हैं टेस्ट खेलने का उन्हें मौका नहीं मिला लेकिन T20 वो बहुत ज्यादा खेल रहे हैं CPL हो FPSL हो या IPL हो उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है और अब वो प्लेयर्स का मतलब वो उनकी कमजोरियों को भाप चुके हैं और उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अच्छा केसर भाई रहमतुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जरदान ये पेयर जो है T20 वर्ल्ड कप में 40+ जो स्टैंडिंग होती है उस रिकॉर्ड बनाया है इस पेयर ने 154 अगेंस्ट युगांडा 103 अगेंस्ट न्यूजीलैंड 118 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और 59 अगेंस्ट बांग्लादेश। अच्छा इसी पेयर की मैं बात करूँ कि मोस्ट पार्टनरशिप रन इन T20 वर्ल्ड कप 428 गुरबाज और इब्राहिम इस वर्ल्ड कप में सो फार। इससे पहले जो है ये बाबर रिजवान के पास ये रिकॉर्ड था 411 रन इन 2021 वर्ल्ड कप और 368 बटलर और हेल्स इन 2022 वर्ल्ड कप में और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो 335 गिलक्रिस्ट एंड हेडन 2007 वर्ल्ड कप फर्स्ट एडिशन वर्ल्ड कप था और 321 KL राहुल और रोहित शर्मा 20
21 के वर्ल्ड कप में बेसिकली तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो था ना रिकॉर्ड वो इन्होंने सरपास किया। जी 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 जी, मैं यही बता रहा था कि जो पार्टनरशिप रन्स है इन्होंने जो है सारे जितने भी पार्टनरशिप है T20 वर्ल्ड कप की वो क्रॉस कर दी। अच्छा, बॉलर्स में आप देखें फजलुल्लाह जो है वो लीडिंग विकेट के टेकर्स है, राशिद खान जो है थर्ड नंबर पे हैं, और रन्स की अगर हम बात करें तो नंबर वन पे जो है रहमतुल्ला गुरबाज है, और थर्ड जो लीडिंग रन्स है गेटर्स वो है इब्राहिम जरदार। तो अब आप क्या समझते हैं कि सेमीफाइनल में क्या होने जा रहा है, अफगानिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करें या बॉलिंग फर्स्ट करें? देखिए, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अच्छा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि देखिए जहां तक वो आ गए हैं ना, उन्हें यकीन नहीं था खुद भी, बेशक उन्होंने मतलब कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन यकीनी बात है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये इतना अंदाजा नहीं होगा कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, खासतौर पर जब आप इस ग्रुप में आते हैं जो ग्रुप उन्होंने अभी क्रॉस किया इस वक्त। तो बात यह कि जब इस तरह की टीमें आगे आ जाती है ना, तो फिर उनके सामने वर्ल्ड कप हो रहा नजर आ रहा होता है हर वक्त। और जब वर्ल्ड कप नजर आ रहा होता है ना, फिर आप जी जान से लड़ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए फाइटिंग्स जो स्पिरिट है ना, ऑस्ट्रेलिया क्यों हमेशा मतलब रही है, या इंग्लैंड को भी मैं मतलब बड़ा रेट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हैं वो ना, बहुत भी हो रहे हैं साथ साथ उधर से पिटाई भी कर रहे हैं साथ साथ ना, अपने वो रन रेट को नीचे नहीं आने देते। हमारी तरह नहीं होते कि दो विकेट गिरी और छह का जो एवरेज है वो भी उठ के 11 पे चली गई ना। देखिए ये होता है कि आप कितना प्रेशर ले रहे हैं, जबकि जितने टीमें ना ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, ये मार धर करते रहेंगे, ठीक है आउट हो जाएंगे, जाके 20 रन पहले आउट हो जाएंगे या जो भी होगा ना, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट आपको नजर आती है। यही चीज अफगानिस्तान में है, लेकिन अफगानिस्तान के पास जो प्लस पॉइंट अब आ गया ना, वो ये आ गया कि उनको ये नजर आ रहा है कि यार ये जो वर्ल्ड कप है हमारे लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन जाएगा, बहुत बड़ी मतलब। एक तो पाकिस्तान ने 92 में हिस्ट्री बनाई थी ना, लेकिन पाकिस्तान के पीछे वो देखिए ना कब से क्रिकेट थी, कितना अच्छा से क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा था, ठीक है, और पाकिस्तान ऐसा नहीं था कि मतलब वो सीरीज या पाकिस्तान हमेशा इंडिया से ज्यादा जीता हुआ था, इमरान खान के दौर बहुत ज्यादा पाकिस्तान जीता हुआ था, बल्कि अगर आप वो नंबर्स निकाले तो पाकिस्तान बहुत आगे था इंडिया से ना। तो लेकिन जो अफगानिस्तान है ना, उसके पास वो रैकेट्स नहीं है अभी तक, क्योंकि उन्हें यहाँ इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद अभी मैचेस नहीं मिल रहे हैं। तो यही वजह है कि उनको पता है कि यार ये नेक और नथिंग वाला मामला है, तख्त या तख्ता वाला मामला है। तो जब ये चीज किसी के सामने होती है ना, तो वो टीम आपकी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बनकर सामने आती है। तो एक तो एक यूनिट है, और दूसरा आपने जो उनके नंबर्स गिनवाए हैं, देखे अभी से पहले मैं याद है कि यूएसए की टीम जो थी ना, उनका बैटिंग में उनके प्लेयर आ गए थे सबसे। जी जी। लेकिन क्या हुआ था कि वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कन्वर्ट नहीं कर सके उसके साथ, मैच नहीं कर सकते या कनेक्ट नहीं कर सके। जी जी। लेकिन अफगानिस्तान ने किया है, अफगानिस्तान का यही नहीं कि प्लेयर्स टॉप पर नजर आ रहे हैं या बॉलिंग में टॉप पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको मतलब उतनी कामयाबियां भी हासिल की है। जी, करते करते वो अपना ये नहीं हुआ कि वो यानी सुपर एट के तीनों मैचेस खेलकर आउट हो रहे थे, उनके प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, बल्कि वो टीम सेमीफाइनल में भी चली गई है। सही। तो ये मेरे ख्याल से जो सबसे खतरनाक नुकता है ना, कि जो अफगानिस्तान है उसको देखे होगा क्या, अब जो दूसरी टीम है ना वो थोड़ा मोहतात होकर खेलेंगे उनके खिलाफ। सही। जब आप मोहतात होकर खेलते हैं ना, यही से आप लूज करते हैं ज्यादा। यस। पहले आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते थे धड़ल्ले से। यस। आप उसमें कुछ समझते नहीं थे, आप समझते थे बी टीम है यार, अफगानिस्तान के साथ मैच है, ओके कोई मसला ही नहीं है, आप जाते थे मार धाड़ 12 की एवरेज से पिटाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या, टीमों ने उनकी स्ट्रेंथ देख ली है, टीमों ने देख लिया कि उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को खासतौर पर जो हराया वो बहुत बड़ी न्यूज बन गई है। उससे क्या होगा कि मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी खतरा हो गया है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया फाइनल खेलेंगे कैसर भाई, ये इंडिया अच्छा के ये इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे। हाँ, ये मैं आपसे पूछने वाली थी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान है उसमें से आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, और इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड जो है उसमें से इंडिया वर्सेज इंग्लैंड जो है उसमें कौन जीतेगा? मुझे तो लग रहा है इंडिया का, तो मुझे लग रहा है जीतेगा, और ये अफगानिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका में अगर नंबर्स देखे जाए ना, तो मतलब इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा नहीं हुआ कि उसे इंग्लैंड का मैच मिला है। जी। अच्छा। टॉप पे रहना बाज़कात नुकसानदेह होता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वो है जो
मतलब किस वो भी किसी वक्त कुछ कर सकती है, बहुत स्पार्कर्स टीम है ना, अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अच्छी टीम है, मतलब बहुत मेरिट करता हूं उस टीम को ना। और देखिए वो भी कहां से उठ कर आए हैं, कहां 5-5 पॉइंट स्कॉटलैंड के साथ बराबर थे, वो उठकर ऊपर आए, फिर बाद में उन्होंने एक मैच हारा बीच में, लेकिन यूएसए को ज्यादा तेज खेल कर उन्होंने वो अपना टारगेट अचीव कर लिया। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे याद है जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहा था ना, तो क्योंकि मैं जिस बाल का हवाला देता हूँ अपने ऑफिस का, मेरे साथ बहुत से हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं वो काम करते हैं, तो उनके साथ बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि यार इस बार तो वर्ल्ड कप हमारा है, तो मैंने कहा नहीं आपका नहीं है। वो बड़े हैरान हुए, हालांकि मैं ऐसे कमेंट करता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपको सब राइवल है ना, राइवलरी थोड़ी सी है, तो वो समझते यार ये बंदा थोड़ा जेलस है इसलिए बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अब ये बात क्यों की है, मैंने कहा मैंने बात इसलिए की है कि देखिये मैंने अक्सर देखा है ऑस्ट्रेलिया को निकाल के हर टीम ने वर्ल्ड कप में या बड़े इवेंट में बुरा मैच खेलना होता है, और अगर आप वो बुरा मैच नॉकआउट से पहले पहले खेल ले तो आपके लिए अच्छा होता है, अगर आप नॉकआउट में जाकर चले जाते हैं ना, फिर वो बुरा मैच आपके ऊपर आना होता है। एग्जैक्टली हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट है अमिताभ सक्सेना, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही है जो आप कह रहे हैं कि नॉकआउट स्टेज से पहला एक मैच हार जाओ आप, इंडिया के लिए कह रहे थे वो बिल्कुल। और ये देखिए इसमें पाकिस्तान का भी हमेशा हमने यही देखा है, वो जब बिल्कुल नॉन स्टॉप जा रहा था ना, तो जाके बैठ जाता सेमीफाइनल में या फाइनल में आ जाता जाके, अब हालात वो भी नहीं है कैसर भाई, अब हालात नॉन स्टॉप स्टॉप सब लग गया, फुल स्टॉप लग गया। बात ये कि हम नजर उतारना बड़ा जरूरी होता है, अभी अभी जो है ना देखिए इंडिया के साथ ये कि इंडिया नॉन स्टॉप आ रहा है जी जी, अब वो जो कहीं ना कहीं होता है कि जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे होते हैं ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और वही रिलैक्स होना आपको ले बैठता है किसी अहम स्टेज पे। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड का लग रहा है? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं बिल्कुल इंग्लैंड को इस लिहाज से मतलब जो मैं गेम में रख रहा हूँ, और मुझे यकीन है वो टीम अच्छी लगती है, क्योंकि मैं समझता हूँ उस टीम को क्रेडिट जाता है कि उसने T20 को फास्ट किया है, लेकिन क्रेडिट इंडियन टीम को भी जाता है, इंडियन टीम भी अमेजिंग, एंड एक्चुअली आई थिंक इंडिया डिजर्व्स टू विन दिस वर्ल्ड कप ऑनेस्टली। बात ये हो रही है कि इंडिया भी अब उसी उसपे है ना कि आप मतलब बायलैटरल सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप T20 में भी अच्छा कर रहे हैं, वनडे में भी कर रहे हैं, टेस्ट में भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हो क्या रहा है, अब टेस्ट चैंपियनशिप उठा कर देखिए, दो मरतबा इंडिया फाइनल में जाकर हार गया, वनडे वर्ल्ड कप था फाइनल में जाकर हार गए, अब तो T20 है उसमें भी अभी तक कोई मैच नहीं हारे, अब जब नहीं हारे तो आपको अपनी वीकनेसेस का पता नहीं चला, जब आपको पता चलता है जब मैच हार जाते हैं ना, आपको पता चलता है कि कहां काम ने क्या क्या बुरा किया है। और कैसर भाई आपकी बात यहां काट रहा हूं, इंग्लैंड का इंडिया के साथ वैसे ही है मसले मसाइल जो इंडिया और पाकिस्तान के जी मैं आपसे सही, और 36 का आंकड़ा है इनके साथ वही है, और इंडिया जब भी इंग्लैंड के सामने आया है तो वो अग्रेसिव होता है, नहीं नहीं उसको डर रहता है हमेशा, इंग्लैंड अग्रेसिव होके आता है, हाँ इंग्लैंड इंडिया की, और वही जो बात हो रही है कि एक मैच भी नहीं आ रहा है तो एक मैच तो हारना बनता है, है क्या सर भाई? जी देखिए बात यह कि अगर ऐसी भी टीमें रही हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया नॉनस्टॉप जीता है, मतलब कोई टीम नहीं हरा सकी ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया को तो आप छोड़ ही दे, तो निकाल ही दे आप ना ऑस्ट्रेलिया, अभी देखिए बिल्कुल डिफरेंट इंडिया के साथ, इंडिया के साथ क्या मामला हो रहा है कि इंडिया में मतलब विराट कोहली ने मेरा ख्याल है टोटल मिलाकर भी 50-60 रन नहीं किए, नहीं नहीं 6 रन बनाए हैं टोटल मिला के, 0-4-1-0 अंदर 30 30 वही बात कर रहा हूं कि जो उनका ब्रांड है ना, ब्रांड है विराट कोहली, अगर आप जब मैच देखते हैं ना, कोई भी लगा के देख ले आप, ये सर पर कोई गल नहीं जो होता है ना, कोहली कोहली है बस जी जी, तो लेकिन क्या है कि आप उसकी बजाय परफॉर्म किसने किया, मतलब रोहित ने, रोहित शर्मा ने वाकई बड़ी क्लास इनिंग खेली है रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर रोहित की वो इनिंग निकाल दे तो इंडिया का स्कोर क्या रह जाता है पीछे, वो भी देखें आप। बात ये होती है कि आप एक प्लेयर के ऊपर टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, आपको एक मतलब कलेक्टिव परफॉर्मेंस चाहिए होती है ना, इंडियन बॉलिंग इस वक्त इज बेटर, बिल्कुल हाँ, दे आर अनस्टॉपेबल दोस बॉयज, आप देखो जरा उनकी फिगर्स देखो आप, ये जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, इन्होंने जी 50-50 रन देके तो 3 दिन विकेटें ली, उनकी देखो जरा 17 रन देके 24 रन देके 3 दिन विकेटें ली हुई है, सो दे आर तबाही को, वही जैसे आमिर कह रहा है कि इस वक्त उनकी बॉलिंग जो है वो बेटर देन उनकी बैटिंग है,
तो ऐसा ही है, देखिए इसमें जो टीमें सिर्फ खेल रही हैं, चार टीमें, उनमें से अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, इंडिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, इंग्लैंड की स्ट्रेंथ बैटिंग है, यूरोप अफ्रीका की स्ट्रेंथ भी बैटिंग है, तो ये बैटिंग और बॉलिंग का इस वक्त ज्यादा वो कहने के मुकाबला होने जा रहे हैं। अब इसमें देखना ये है कि कंडीशंस क्या है, पिच कैसी है और टॉस कौन जीतता है, एज उससे मिलेगा ज्यादा ना आपको। लेकिन मैं इंग्लैंड को बिल्कुल भी बाहर नहीं कर रहा, मुझे इंग्लैंड बहुत पसंद है जाती तौर पे, कि मतलब वो जितना धड़ल्ले से खेलते हैं ना, मुझे हमेशा वो टीमें अच्छा लगती हैं जो जिनमें नजर आता है कि यार इंग्लैंड भी, इंग्लैंड का भी सदका उतर चुका है ना, नहीं उसकी भी नजर उतर चुकी है क्योंकि वो भी हार चुका मैच, तो उनको अपनी खामियां वो सारी कैलकुलेशन उन्होंने कर ली है। अच्छा, किसी में जो आपकी दो टीमें, दोनों टीमें नॉन स्टॉप जो आ रही है ना, दोनों को सबसे ज्यादा खतरा मेरे ख्याल से, जो जनूबी अफ्रीका और इंडिया, दोनों को ज्यादा खतरा है। अच्छा किशन भाई, फाइनल में दो टीमें कौन सी आ रही है आपकी, जाते आते हैं बस अभी तो सेमीफाइनल और फिर फाइनल। हां वो जी देखिए, उसमें सेमीफाइनल तो खैर क्लियर है ना, फाइनल कौन खेल रहा है, फाइनल दो टीमें कौन खेल रही है। देखिए उसमें मेरे ख्याल से कि मैं तो इंग्लैंड और अफगानिस्तान को देख रहा हूँ। अच्छा, मैं ज्यादा मतलब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये मेरा भी वर्ड आपके साथ है। मैं इंडिया अफगानिस्तान को देख रही हूँ, और इंडिया साउथ अफ्रीका भी वैसे हो सकता है। आई एम सीइंग इंडिया एक्चुअली इन फाइनल। देखिए जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कि वो नीला वाला कलर अच्छा है, लेकिन पीला भी थोड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा है। आमिर जो है ना, शादियां बात हो रही है, कि अगर आप ये कहें ना कि पाकिस्तान भी हो सकता है, सुनो अल्लाह के सामने जान देनी है, इतना झूठ नहीं बोल सकती मैं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हो सकता भाईजान। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बता देती हूँ, एक बटल बताए पहले, फाइनल कौन खेल रहा है, एक इंडिया और अफगानिस्तान खेल सकते हैं, और इंडिया जीतेगा ये वर्ल्ड कप, इनका नोट हो गया। देखिए इंडिया की टीम, बात ये कि अगर आप पेपर पे देखें या वैसे परफॉर्मेंस भी देखें, इंडिया बहुत स्ट्रांग है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने जो बात की ना आपको, सिर्फ जो उनका एक पॉइंट जो मिस कर रहे हैं ना, वही वो वही एक पॉइंट है कि उन्होंने अभी तक अपनी वीकनेसेस को नहीं नोट किया, एक्सप्लोर नहीं किया, वो मैच नहीं हारे। पर यही टीम जनूबी अफ्रीका के साथ है, जनूबी अफ्रीका और भी मसाइल है ना, कि वो बड़े मैच में प्रेशर नहीं दे पाते, साउथ अफ्रीका है वैसे सबसे तो बड़ी बात यही है, वही बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया का सिर्फ मुझे एक ड्रॉबैक नजर आ रहा है, कि अगर इंडिया जो है ना वो जो मैच अगर हार कर आती ना, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ये चूंकि नॉन स्टॉप आ रही है, और कहीं ना कहीं जाकर अक्सर टीमें मतलब पूरे वर्ल्ड कप आप देखते आ रहे हैं, क्योंकि मतलब ये वैसे एक बड़ा एक मुझे याद आ गया, बड़ा दिलचस्प वर्ल्ड कप हो रहा है, कि इसमें आज तक एक सेंचुरी नहीं बनी, 50,000 मैचेस हो चुके, रोहित शर्मा 8 रनों से रह गया, उसकी सेंचुरी बहुत से लोग 90s में गए लेकिन सेंचुरी नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि बहुत हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप नहीं हो रहा आपका। सर 116 रन बनाने वाली टीम जीत जाती है, 116 रन बनाने वाली टीम जीत जाती है, इसीलिए पाकिस्तान ने दिल छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े स्कोर नहीं हो रहे, हमको नहीं खेलना, जाओ छोड़ो। ऐसे ही हो रहा है, देखिए बात ये हो रही है कि जो अगर इंडिया ने, मेरा ख्याल है कि जो इंग्लैंड है जी, इंग्लैंड ने आप मतलब अगर बेखौफ होकर क्रिकेट खेली ना, तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड टफ टाइम देगा इंडिया को। बाकी रिकॉर्ड्स देखें ना, हम रिकॉर्ड्स पे बात करें तो एक ही बात है कि रिकॉर्ड्स पर तो सीधा सीधा इंडिया बनता, उधर से अफ्रीका बनता है, लेकिन मुझे ये चीज जो बार बार वो हो रही है ना, पता नहीं क्यों मेरी एक वो है कि ये चीज जो मैच में नहीं खेला ना, अगर ये यहाँ भी ना खेले सेमीफाइनल में, तो फाइनल में इनको खेलना पड़ेगा, वो जो मैच एक उन्होंने नहीं लूज किया ना, वो साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम जो सब कॉन्टिनेंट की टीम है ना, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारा वो नहीं है कि हम 3-3 लगातार वर्ल्ड कप जीते हो, हम तो 10-10 साल से ट्रॉफी के लिए इंतजार कर रहे हैं। सही, 10 साल के ही कर रहे हैं, इनको टोरंटो मेपल लीफ को देख दो, 67 में आकर ही जीते थे। बात वही हो रही है ना कि जो टीमें जिनके लिए होता है ना जीतना, मतलब एक आम सी बात होती है, यस यस, वो एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन हमारा क्या होता है कि देखिए इंडिया ने कितने सेमीफाइनल हारे हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया आज 10 सालों में पहुंचा नहीं है, बार बार पहुंचा है, ट्रॉफी के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंचा है, लेकिन आखिरी जो इवेंट उन्होंने जीता था मेरे ख्याल 2013 में, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी। उसके अलावा आपने ना तो कोई वनडे वर्ल्ड कप जीता, ना आपने T20 वर्ल्ड कप जीता,
आप इवन जो बायलैटरल सीरीज हो रही है, आप टेस्ट चैंपियनशिप भी मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद फाइनल में जाकर टेस्ट भी हार जाते हैं। तो ये बात होती है कि ये सारी जो चीजें ना, ये सारे आपके वीक पॉइंट्स को जाहिर करती हैं कि आप बड़े मैचेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते। और यहाँ पर यही टेस्ट होगा असल में, और ये एक चीज है जो उनके खिलाफ जाती है, अदरवाइज ओवरऑल तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। चले केसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं आप, और मजा आता है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और नहीं नहीं, आई पर्सनली वांट टू से थैंक्स टू केसर। जब हम अपना प्लानिंग हम लोग कर रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, तो जब हमने केसर को कहा कि भाई आपने भी हमें ज्वाइन करना है, कोई नखरे नहीं दिखाए केसर ने, कोई ना नहीं किया। सो वी आर सो ग्रेटफुल केसर, आप इतना हमें ये पूरे चार वीक्स इतना आप टाइम देते रहे हो और हमारे साथ जुड़ते रहे हो, बिल्कुल दिल की गहराइयों से हम तीनों जो है आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं लास्ट बात सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपको मतलब थोड़ा अब तक ये होगा कि ये आवाज तो मैं अपना ही चैनल समझता हूँ, मेरे से बहुत पुराना रिश्ता है। इसकी टीम में मैंने क्रिकेट भी खेली हुई है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको आपको हमसे आके मिलना पड़ेगा, आपके लिए हमने एक बड़ी प्यारी टी शर्ट रखी हुई है, तो आप आए और आप हमसे, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा और हमारे लिए समोसे भी लाने पड़ेंगे। समोसे मैं लूंगा, चाय का इंतजाम आप करें, चाय हम कर लेंगे, और आपके लिए एक टी शर्ट हमने रखी हुई है वो हम आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।